वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ लैक्मे के इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग फेशियल फॉर्म। यू कैन सी दिस इज द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसको रिसेंटली मैंने नायका के ऊपर देखा एंड मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसका प्राइस पॉइंट देखा, इसके ऊपर डिस्काउंट देखा एंड बहुत अच्छे रिव्यू, प्रोडक्ट के। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू ट्राई दिस प्रोडक्ट एंड जब मेरे पास नायका का वो पार्सल आया मेरे पास, सबसे पहले मैंने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया एंड गाइज इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम लैक्मे। दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस फेशियल फॉर्म। तो ये फॉर्म कंसिस्टेंसी में है, ये कोई जेल बेस्ड फेस वॉश नहीं है, ये कोई लाइक इट्स लाइक नॉट अ फेस वॉश, ये आपके मेकअप को भी रिमूव करता है बिकॉज ये फेशियल फॉर्म है। इस परफेक्ट रेडियंस रेंज एलिवेटेड टू ए न्यू लेवल ऑफ लग्जरी एंड एफिकेसी एनरिच्ड विद प्रेशियस माइक्रो क्रिस्टल्स। दिस रिन्यूएबल रेंज गिव्स यू अ इल्यूमिनेटेड लुक। परफेक्ट रेडियंस फेशियल फॉर्म, दिस स्किन ब्राइटनिंग क्लेंजिंग लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट रिच फॉर्म टू इफेक्टिवली वॉश अवे इम्प्योरिटीज, डर्ट, पोल्यूशन एंड लॉन्ग वेयर मेकअप। इट प्रिपेयर्स योर स्किन फॉर मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द परफेक्ट रेडियंस स्किन केयर रेजिम टू गिव यू अ इल्यूमिनेटेड स्किन। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ट्राई द परफेक्ट रेडियंस रेजिम। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है तो ये फेस वॉश, जो ये फेशियल फोम फेस वॉश है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है इंस्टेंटली आपकी स्किन को। अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हो, और बात करूँ पैकेजिंग की, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की, 130 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको मिल जाती है 530 MRP के ऊपर, लेकिन ये मेरे को 340 रुपीज़ का मिला है आफ्टर डिस्काउंट, तो बहुत ही अच्छी वाली डील हो जाती है। अगर आप नायका से इसको परचेज करोगे तो आई गेस आपको 300 समथिंग में या 340 में आपको मिल जाएगा। 530 इसकी MRP है एंड आपको अच्छी खासी इसमें 3 साल की शेल्फ लाइफ भी मिल जाती है। और बात करूं प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्किन के ऊपर अगर एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्कनेस है बेसिकली, तो उसके लिए ये स्किन बहुत ज़्यादा, ये आपकी स्किन को इल्यूमिनेटेड इफेक्ट देता है। अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आने की वजह से आपकी स्किन ब्राइटन अप लगे। करें पैकेजिंग की तो यू कैन सी ऐसी कितनी बड़ी बॉटल आपको मिल जाती है, ऐसे पंप पैकेजिंग है। एक ही पंप में प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि फॉर्म फेशियल फॉर्म आपको मिल जाएगी एंड आप जितना इसको, आपके दो पंप्स ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाले हैं। और ये वाली पैकेजिंग 130 ml वाली पैकेजिंग 3 to 4 months आपकी आराम से चल जाएगी। एंड यू कैन सी सिर्फ एक पंप मैंने लिया था, इसको जितना मर्जी आप बढ़ाते जाओ। और मैं आपको अगर फेस वॉश करने के बारे में बताऊं तो अगर आप 30 to 40 seconds तक, मिनिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 seconds तक आप अच्छे से अपनी फेशियल जो फॉर्म है या कोई भी फेस वॉश है उसके साथ अपने फेस के ऊपर मसाज कीजिए, उसके बाद आप रिंस ऑफ कीजिए। बिकॉज हम बहुत जल्दी अगर फेस वॉश कर लेते हैं तो हमारी डर्ट इम्प्योरिटीज़ अच्छे से नहीं निकल पाती हैं, और अगर हम लाइक 1 to 1.5 minutes तक अच्छे से फेस वॉश ही करते रहते हैं, फेस वॉश को अपनी स्किन के ऊपर मसाज करते रहते हैं, तो ऐसा हमारा जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो हमारी नेचुरल हमारी स्किन के ऊपर एक हाइड्रेशन होती है, वो निकल जाती है, वॉश ऑफ हो जाती है। तो बात करूँ इस फेस वॉश के बारे में, दिस इज़ सो गुड यू गाइज,
एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपकी डल स्किन है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी अगर आपकी ड्राई स्किन है, बिकॉज ड्राई स्किन के लिए मुझे लगा थोड़ा सा आपको ड्राई टच फील देता है। अगर आप बहुत अच्छा मॉइस्चराइज्ड मतलब एक फेशियल फॉर्म ढूंढ रहे हैं, सो आई वुड नॉट रेकमेंड। एक बार ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को लगा कि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे को एकदम से इसने ड्राई स्किन दिया, मतलब एकदम ड्राई टच दिया, जो मेरे को परफेक्टली मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा ये प्रोडक्ट, बिकॉज मेरे को वैसे ही मेरी ऑयली स्किन है, मुझे एक ड्राई स्किन ही अच्छी लगती है, ड्राई लाइक एक ड्राई टच स्किन अच्छी लगती है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में ऑयली शाइन ना हो मेरे फेस के ऊपर। एंड एज यू कैन सी ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, 30-40 सेकेंड्स तक अच्छे से अपने वेट फेस के ऊपर, डैम्प स्किन के ऊपर अपने मसाज करना है, उसके बाद इसको वॉश करना है एंड यू आर रेडी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली नॉर्मल स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा डल रहती है स्किन, अगर आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, एक नॉर्मल जो नेचुरल इल्यूमिनेटेड इफेक्ट नहीं है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाला फेशियल फॉर्म। अगर आप ब्राइट टू बी हो तो ये वाला फेशियल फॉर्म आप ज़रूर से ट्राई करना, आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से ग्लो रहने वाला है। हल्का फुल्का मेकअप भी अगर आपने रिमूव करना है तो वो भी ईजिली इसके साथ रिमूव हो जाएगा। सो या दैट्स इट, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो शेयर करना विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।